बुलंदशहर की शाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो, जिसमें मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, मोदी जी योगी जी मुझे बचाइए, ये कहकर मुस्लिम महिला ने लगाई पीएम सीएम से गुहार। वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि 13 वर्ष पहले मुस्लिम महिला को पति ने छोड़कर कर लिया था दूसरा निकाह। परेशान हाल मुस्लिम महिला ने खुदकुशी की भी दी धमकी। महिला की गुहार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। मैं रहनुमा परवीन कस्बा सियाना जिला बुलंदशहर मोहल्ला चौधरीयान की रहने वाली हूँ। ये वीडियो डालने का मेरा मकसद बस इतना सा है कि शायद कोई रहम दिल इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी मदद कर दे। मैं अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मेरे पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है, पर मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी तनाव और बूढ़ी माँ का मेरे बाद कोई और दूसरा सहारा नहीं है। मेरे पति ने मुझे मरने पर मजबूर कर रखा है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, उसका एक बेटा भी है। मेरे पति ने 13 साल से मुझे मेरी बूढ़ी माँ के घर पे छोड़ रखा है। मेरे पति ने ना मेरा बाप है ना मेरा कोई भाई बहन है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरा एकलौता सहारा मेरी बूढ़ी माँ है। मैं अपने यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और अपने जिले के अधिकारियों से और पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि और अपने कस्बे के पुलिस थाना से गुजारिश करती हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए और मेरी आवाज़ को उठाया जाए और मेरी मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी इसी मुल्क की बेटी हूँ तो मुझे भी बचाइए। मेरी ससुराल में मेरा पति, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा देवर, मेरा जेठ, मेरा ननंद, मेरा नंदोई, वो इतने जालिम हैं कि वो मुझ पर इतने जुल्म करते हैं कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की है। मेरे पति ने मैं हर जगह हर पुलिस थाने हर जगह जा चुकी हूँ। मेरा कसूर इतना है कि बस मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो ना ससुराल वालों का टॉर्चर होता और ना ही मैं पुलिस थानों में हर थाने अदालत हर जगह ही धक्के खा रही। एक शाना कोतवाली क्षेत्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है उसमें? देखिए, मेरे भी संज्ञान में एक वीडियो आया है जो कि वायरल बताया जा रहा है। इसमें एक महिला अपने जो पारिवारिक समस्या उसके संबंध में बता रही हैं। इस संबंध में थाना सियाना में एक मुकदमा दर्ज है जिसकी विवेचना की जा रही थी। कल दिनांक बीती दिनांक में उसमें चार्जशीट लग गई है और हमारी तरफ से सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। वो तीन तलाक का वो अपने तलाक चाहती हैं, जबकि वो जो मुकदमा है वो तलाक में ही तीन तलाक में ही पंजीकृत किया गया है। तो हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं है। क्या मैम इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई इसमें। बिना गिरफ्तारी की चार्जशीट नहीं है, 41 सेकंड नोटिस शामिल किया गया है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।